तो चलिए आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ ये मिर्ची, जो मोटी मोटी वाली मिर्ची होती है जिसमें मसाला भरकर बनाते हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसके लिए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगता है और रेसिपी कैसी बनती है। फ्राई करने वाली मिर्ची होती है, बहुत से लोग इसे इसके पकोड़े भी तलते हैं और बहुत से इसकी भरवा मिर्ची भी बनाते हैं और बहुत सारे लोग इसमें मसाला भरकर भी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच शेंगदाने लिए हैं जिसे अच्छे से भुनने के लिए रख दिए है कढ़ाई में। यहाँ पर मैंने ली है 1/2 चम्मच सफेद तिल, 1/4 भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 की इतना सौंफ का पाउडर। तो इसे भी हम इसके साथ भूनने के लिए डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब एक साथ भून लिया है। अभी हमें तो यहाँ पर मैंने सब अच्छे से भून लिया है और यहाँ पर मैं शेंगदाने के छिलटे नहीं निकालूंगी, इसे इस तरह इसे इसके साथ ही पीस लेंगे, हमें निकालने नहीं हैं, सब एक साथ पीस लेना है। अब आप इसमें चाहे तो लाल कुटी हुई मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। मैं इसे बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च में। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च इसमें बारीक पीस कर रखी है, एक्चुअली डाल देंगे हमारे मसाले। तो यहाँ पर मैंने सब मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी दालियों का पाउडर, जो भुने जीरे भुने हुए चने का पाउडर होता है, दाल का पाउडर होता है भुना हुआ, वो डाल देंगे। अब इसे मैं सूखा ही पीस लेंगे, इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सब अच्छे से बारीक पीस लिया है, बारीक मतलब दरदरा पीसा है। अब इसमें आप चाहे तो इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर नींबू ऐड कर रही हूँ, अगर आपको खट्टा पसंद है तो डालिए या इसे स्किप भी कर सकते हो, पर खट्टे से थोड़ा सा अलग फ्लेवर हो जाता है। अब इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है हरा धनिया भी। अब यहाँ पर मैंने मिर्ची को इस तरह से कट लगाकर और इसके सब बीज निकाल लिए हैं, इस तरह से देखिए। अब इसमें हम मिर्ची में मसाला फिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 इसमें मसाला भर लिया है चारों मिर्चियों में। अब कढ़ाई में डाल दिया है मैंने तेल। अब तेल में हम एक एक करके मिर्ची ऐड करेंगे। मैंने मिर्ची को अच्छे से तेल में हिला लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप को भी कम पानी ऐड करेंगे, हमारी मिर्चियां गल जाए इतना पानी हमें ऐड करना है। और मीडियम और स्लो आंच के ऊपर हमें ये ढककर पकने देना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मुझे टोटल 1 कप भरकर पानी लगा है। इसकी स्किन यहाँ पर टोटल मुझे 1 कप पानी लगा है और 1 कप पानी के अंदर हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है और हरी मिर्च भी। इसे 1 कप पानी इसलिए लगा है ताकि, क्योंकि इसकी स्किन बहुत मोटी होती है, ये देखिए इस तरह की इसकी मोटी स्किन होती है, आप तो जानते होंगे, इसलिए इसे गलने में टाइम लगता है। और ये देखिए अभी ये एकदम अच्छे से गल गई है। बहुत ही टेस्टी बनी है मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाकर, देखिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए।